हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, और अच्छे ही रहना। और चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग तो हमारा थोड़ा सा खास हो जाएगा, क्योंकि आज हमारे घर में कनागत है। तो ये कनागतों का महीना चल रहा है, तो आज हमारा कनागत होने वाला है। तो कनागत का खाना हम हमारे यहाँ नहा के बनाते हैं, और दिन तो रोज़ डेली बच्चों का लंच बिना नहाए बना लेते थे, बाद में नहाते थे। आज हम सबसे पहले नहाए हैं, किचन साफ़ की है, पोछा लगाया है, और सुबह के 6 बज गए हैं। अब मैं अपना खाना बनाती हूँ, क्योंकि पहले मुझे कनागत का श्राद्ध के लिए खाना बनाना, सिंपल वाला बिना प्याज लहसुन वाला, फिर मुझे बच्चों का लंच बनाना उसके बाद। तो इस वजह से मैं आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ, और भी दिन तो 6 बजे उठती थी। आज 6 बजे तक मैं कंप्लीट काम कर लिया है, अब सिर्फ सब्जी बनानी बाकी रह रही है। तो मिलते हैं हम खाना बनाने के बाद, क्योंकि आज अलग तो सब्जी बनानी है, तो दोबारा खाना बनाना है, तो इसमें लग जाएगा काफ़ी टाइम, क्योंकि हम जब तक कनागत का खाना निकालेंगे नहीं, हम चाय भी नहीं पियेंगे आज। तो ये मैंने अब पितृ देवताओं का खाना बना के तैयार कर दिया है। अब मेरी सासू जी उनका खाना निकाल रही हैं। हमारे यहाँ पे किसी के पूड़ी सब्जी भी बनती है, हमारे रोटी सब्जी और दही और बूरा के साथ इन सब का भोग लगता है पितृ देवताओं को। और अब इन सब की रोटियों को ऊपर कुछ तो गाय को दी चली देने चले जाएंगे, और कुछ चिड़ियाओं को और कौओं को ऊपर छत पर रख देंगे। ये मेरे ससुर जी के नाम का खाना निकल रहा है, और ये 16 वो होते हैं, तो 16 ही रोटियाँ निकलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, हमारी दुकान में एक चीज़ की मशीन लग रही है, वो अभी आपको मैं नहीं बताऊंगी। 2 दिन से वर्कर काम करने के लिए आ रहे थे, और जहाँ तक है आज सारा कंप्लीट हो जाएगा, और मैं तुम सबको भी दिखाती हूँ कि हमारे कहाँ पे कुछ लगा हुआ है। और यहाँ पे सुविधा भी इतनी हो जाएगी, क्योंकि आसपास कोई है नहीं, यहाँ पे बाहर जाना पड़ता था। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज। तो मौसम आज मस्त हो गया है, अब थोड़ी गर्मी में राहत हो जाएगी। भाई मौसम ज़बरदस्त हो रहा है, मौसम ज़बरदस्त हो रहा है। हलवाई भी चुपचाप बैठे हुए हैं बेचारे, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है उनके पास। आज तो पौधे भी खिल उठे हैं मस्त नज़ारा देख कर। हाँ, हम कद्दू के घिया के कोफ्ते बना रहे हैं, और उसके साथ बनाएंगे चावल, क्योंकि बच्चों को चावल इसके साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, और मन्नू को तो बिल्कुल खास कर। तो हमने एक कद्दू ले लिया फ्रेश, बिल्कुल अभी ताज़ी ताज़ी कद्दू है, इसको हमने छील लिया। अब इसमें से हम इसे कद्दू कर दिया, और तेल गरम करना रख दिया सरसों का, ये हमारी मसालेदानी रखी है। और ये हमने प्याज टमाटर की प्योरी बना ली है, प्याज टमाटर पीस लिया है। ये हमारा कद्दूकस है, इसमें हमने मसाले मिला लिए हैं, और ये हमारा बेसन है। अब बेसन को हम कद्दूकस, जो कद्दूकस हुआ रखा है ये, इसमें हम मिक्स करेंगे, और फिर हम इसकी पकौड़ी निकालेंगे। कोफ्ते बन रहे हैं, तेज पत्ता डाल दिया, बड़ी इलायची डाल दी, जीरा डाल दिया, और 2-3 हमने लाल मिर्च साबुत डाल दी। अब ये अच्छे से भून गए हैं, मैं इसमें प्याज और टमाटर वो प्याज का पेस्ट डाल देते हैं, प्याज लहसुन का। कोफ्ते के साथ 1 गिलास चावल बना रही हूँ, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही खाएंगे, और कोई नहीं खाना पसंद चावल, क्योंकि मेरे भी दांत का प्रयोग चल रहा है,
तो डॉक्टर ने मना किया चावल खाने के लिए, तो मैं भी खाऊंगी नहीं। बड़े वाली भी वो कम खाती है चावल, ये दोनों ही ज़्यादा खाते हैं चावल। यहाँ पर मैंने अपना आटा लगा लिया है, यहाँ पर मेरे चावल में सीटी आ रही है और यहाँ पर मेरे कोफ्ते रेडी हो रहे हैं। और अब हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इसमें ये पकता है इसलिए, और फिर इसके बाद हम ना पकौड़ी डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। तो इतने हमारा थोड़ा सा सिलाई का काम बाकी रह रहा है, कोफ्ते रेडी हो चुके हैं देखो। अच्छे लगे घी के कोफ्ते, और आप सब रेसिपी देखना, आप लोग बनाना और कैसे लगे आप बताना। तो मम्मी जी कैसे लगे आपको मेरे हाथ के घी के कोफ्ते, अच्छे थे? मैं अच्छी कुकिंग करती हूँ ना, ये मैं पास हो गई। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर मेरी घिया के कोफ्ते की सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना कैसी बनने लगी है। वैसे तो कोफ्ते बहुत अच्छे बन रहे थे क्योंकि मैंने भी काफ़ी दिनों में बनाए थे, बच्चे भी कह रहे थे मम्मी बहुत टेस्टी कोफ्ते बने हैं, और चुनमुन तो कह रही थी कि मैंने ही बनाए हैं। मैं चलो कोई बात ना, आप तुमने बनाए जल्दी से जल्दी हमारे 2K सब्सक्राइब करवा दीजिए, बस थोड़ा सा कमी रह रही है। प्लीज़ हेल्प करिए, हमारी मदद कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को जरूर बजा दीजिए। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के जय माता दी।